ये कोई बिदत नहीं, इसलिए कि कुछ भी नया नहीं हुआ। पहले यहूदी हजरत उज़ैर के इश्क में हदों से निकले, बाद में ईसाइयों ने हजरत ईसा की अकीदत में ज़मीन व आसमान मिलाए। ऐसे में जब रसूलुल्लाह लोगों की इस्लाह के लिए भेजे गए तो हद से गुजरे लोगों ने इन्हें अपने नबी की शान घटाने वाला गुस्ताख कहा। नतीजा, ईमान का मतलब और रिसालत का मकसद समझाने वाला इंसान खुद लोगों के लानतान का शिकार बना। अफसोस कि ये उम्मत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। रसूलुल्लाह की बताई खबर के ऐन मुताबिक अब की बार ये सब खुद रसूलुल्लाह के नाम पर किया जा रहा है। हत्ता के इस सब बिगाड़ की इस्लाह करने वालों का अंजाम भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होता। ढोल बाजे, केक चावल और नाच धमाल करके रसूलुल्लाह के नाम पर खूब तफरीह की गई। इनकी रस्म अकीका का दिन, स्वयं 40वां, शादी, मेहंदी या कोई और तकरीब, अगर कुछ और है तो वो सब भी कर लें, क्योंकि इन तमाम दीनी फरीजों से फारिग होकर ही आप रसूलुल्लाह का लाया गया दीन जान पाएंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि कहीं ये एक दिन का जश्न उम्मत मुहम्मद की उम्र भर की गुमराही का नोहा ना बने।